वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल DTH ट्रिक्स वर्ल्ड में। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि हमारा डिस्का वायर टूट जाता है बीच में से, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि इसको इस तरह से छील के जोड़ देते हैं। तो दोस्तों ऐसे हमको वायर को जोड़ना नहीं चाहिए। आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने वायर को सही तरीके से जोड़ सकते हैं, तो वीडियो पूरी ज़रूर देखिए पूरी जानकारी पाने के लिए। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, और फ्री डिस्क की पल पल की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को बिल्कुल फ्री में सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों होता क्या है कि कभी कभी हमारा जो वायर है वो टूट जाता है, और कुछ लोग करते क्या है कि इस तरह से वायर को छील के जोड़ देते हैं। तो ये दोस्तों जो इस तरह से जोड़ने का तरीका है ये बिल्कुल गलत तरीका है। इससे दोस्तों आपका जो वायर है कभी कभी शॉर्ट हो सकता है, आपका शिफ्ट बॉक्स ख़राब हो सकता है। तो आज की वीडियो में बताऊंगा किस तरह से आप एकदम प्रॉपर जॉइंट बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको वीडियो पूरा देखना होगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पे इस जॉइंट को काट लेता हूँ यहाँ पे। तो ध्यान से देखिए वीडियो को कि यहाँ पे आपको करना क्या है एक प्रॉपर जॉइंट बनाने के लिए। इस जॉइंट से दोस्तों आपके सिग्नल लॉस होता है, लेकिन जो मैं यहाँ पे तरीका बता रहा हूँ उस पे दोस्तों आपका सिग्नल लॉस नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने दोनों वायरों को साफ़ कर लिया है। इसके बाद में दोस्तों आपको कुछ कनेक्टर लेने हैं इस तरह के, और एक जॉइंटर लेना है। ये देखते हैं जॉइंटर बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, ओरिजिनल है ये। तो ये आपको मिल जाएंगे आपके लोकल मार्केट में। और ये देखिए ये कंप्रेसर टूल है, ये कनेक्टर को कंप्रेस करने के काम में आता है। और ये दोस्तों कटर है, वायर कटर, जो कि हमारे डिस्क के वायर को छीलने के काम में आता है। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको इस तरह से छील लेता हूँ। यहाँ पे आपको दबाना है और इसको घुमा देना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से दोस्तों ये वायर का मुंह है वो निकल जाएगा। तो ये देखते हैं दोस्तों यहाँ पे आप ये वायर का मुंह है बिना स्पेशल टूल के भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको इसका वायर छील लेना है, ये देखिए। और जो ये दूसरा मुँह है इसका वो भी मैं यहाँ पर छील लेता हूँ। इसको ध्यान से देखते रहिए वीडियो को, वीडियो पसंद आती है दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो यहाँ पे देखिए इसको भी मैंने छील लिया है। तो यहाँ पे दोस्तों आपके जो ये स्टील के वायर हैं छोटे छोटे, वो यहाँ पे बीच में कॉपर के वायर के टच नहीं होने चाहिए। तो ये देखिए इसको कुछ इस तरह से लगा देना है कनेक्टर को। और यहाँ पर देखिए जो ये सफ़ेद दिखाई देता है अंदर का, वो कुछ इस तरह से फिट हो जाता है यहाँ पर। तो इसमें भी आपको यहाँ पे कनेक्टर लगा देना है। जो ये तार दिखाई दे रहे हैं इनको दोस्तों आपको पीछे कर लेना है। यहाँ पे जो बीच का जो कॉपर का तार होता है उसके टच नहीं होने चाहिए। तो ये देखिए ये भी दोस्तों अच्छी तरीके से फिट बैठ चुका है। अब मैं दोस्तों यहाँ पे आपको यहाँ पे जो कनेक्टर है इनको लॉक करके बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से लॉक हो जाते हैं। तो इन आपको भी लॉक कर लेना है। इनको लॉक करने से क्या होगा दोस्तों, जो ये कनेक्टर है वायर में से निकलेंगे नहीं। तो ये देखिए पूरी तरीके से फिट बैठ चुके हैं ये, और दोस्तों अब ये निकलेंगे नहीं। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे करना क्या, आपको ये जो जॉइंटर है ये जॉइंटर लगा देना है। दोस्तों इस तरीके से आपके जो सिग्नल हैं वो लॉस नहीं होंगे, आपका वायर शॉर्ट नहीं होगा, आपका बॉक्स ख़राब नहीं होगा। ये देखते हैं कुछ इस तरह से आपको कस देना है। और ये दोस्तों एक प्रॉपर जॉइंट बन चुका है, ये देखते हैं आप। इसको आप दोस्तों खींच सकते हैं, खींचेंगे तो भी नहीं निकलेगा, और बहुत ही अच्छी तरीके से दोस्तों ये बन जाता है। इसमें आपके सिग्नल भी लॉस नहीं होते हैं, आपका बॉक्स भी सेफ होता है। तो इस तरह से दोस्तों आप एक प्रॉपर जॉइंट है वो बना सकते हैं और अपने केबल के वायर को जोड़ सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिल गई होगी कि किस तरह से आप अपने केबल के वायर को जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करो, और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन को भी दो, ताकि मेरे YouTube चैनल से रिलेटेड कोई वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।